अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा रक्षाबंधन। मोंग, मोंग सिंह। कौन से बिल में जाके छुपा है? मोंग सिंह, क्या हुआ? क्यों चिड़मिड़ा रही है? शाम तक तो मोंग घर पे था, पूरा घर छान मार लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। पूछे ना इससे। शिवा बेटा, तू जाने है कि मारा मूंग सिंह कठे हैं? अगर पता भी होगा तो बताएगा थोड़ी। सुन, रसाल को बुला के ला, एक वो ही है जो इसकी चुप्पी तोड़वा सकती है, तू जान ना। शिवा, लड़े से मैं जानू तारे को दुख पहुंचा है, तू नाराज है, पर मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ कि कहाँ है। महाराज जी बहुत घबरा रहा है, बता दे। अम्मा जी, आज तक ऐसा कभी भी हुआ है कि मुंह बिना बता कहीं बाहर गया है? ये सब इसका किया धरा है। इसे लगता है आज बरसी में जो कुछ भी हुआ हमारी गलती है, हम निर्दोष है, कुछ नहीं किया हमने। पता नहीं किस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अगर बदला लेना है ना तो मुझसे ले, मुंह से नहीं। कीचड़ में खेलने वाले लाख कोशिश कर लेना तो भी उनके दामन पर कीचड़ के दाग नजर आई जाते हैं। जो आपने कुछ ना किया तो आपने यो क्यों लगा कि मैं आपसे बदला लूंगा? इसका मतलब तो यो है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब आपका रचा हुआ खेल था चकोरी मासा। और आप जाती हैं कि ये जानने के बाद भी मैं चुप बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? ना करूं मैं? बस शिवा, तू सब गलत कर रहा है। मारे लाड़े सर से बदला क्यों ले रहा है तू? क्योंकि मारे बापू सा एक सज्जन आदमी थे दादी सा, जिन्होंने कभी किसी का कुछ ना बिगाड़ा। इसके बावजूद इन लोगों ने जो आज नीच हरकत की है, जो तमाशा किया है, वो गलत ना है? जिस तरह इन्होंने हमारी पूजा को खंडित किया वो सही था? दादी सा, हमारे बापू सा ने जिंदगी भर अपनी पगड़ी का मान रखा, कभी उसका अपमान होने ना दिया। और आज उस नेक आदमी की बरसी के दिन इन लोगों ने उसकी पगड़ी उछाल दी, सारा मान तो मान मिट्टी में डाल दिया। दादी सा, जो आपका बेटा चकोरी मासा के साथ मिलके गलत करेगा ना तो वो गलत ना है, पर मैं उसके खिलाफ जवाब दे दूं तो मैं गलत हो गया? भाई तो चलिए चलिए आप मेरे साथ। गलती तुम्हारी है शिवा, समय रहते ही मेरे को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था। ये बड़ा शौक है ना अपने चाले चलने का, शिवा अपने अपनी चाल चल दी। मारी मारी पर आपने डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी ना है। तुम लोगों ने आज हमारी पूजा भंगना की है, हमारी 15 साल की तपस्या भंग की है तुम लोगों ने। और जब जब शिवा की तपस्या भंग हुई है ना, उसका त्रिनेत्र खुला है जिसमें सब भस्म हो चुके हैं। जो बचा पाए ना खुद को तो बचा लियो। हमारी खातिर
दादी सा की ममता के खातिर दे रहा हूं थारे को ये चाबियां में। इड़ी में से एक कमरे में पड़ा है थारा मूंग सिंह, क्या ढूंढ ले। के हुआ चकोरी मासा, मारी नफरत की झलक देख के यो हालत हो गई थारी। इब जो मैंने खुल के नफरत दिखा दी तो कटे छुपती फिरेगी, सोचा है कभी? अरे इतनी भी जान ना बची के पर्दा हटा सकूं। चकोरी, शरीर में 206 हड्डियां हुए पर बार बार के 2006 कर दी, मेरा पूरा रोम रोम दर्द कर रहा है। पूरा दिन दूध पीता है, इतना बादाम पिस्ता खाता है, फिर भी एक फिर मेरा मदर कैसे है? दो चार मार नहीं सकता था उसको? अरे हमारी चकोरी रेडी, ये बताओ, अरे मैं जब ऐसे जा रहा था उसने पीछे से कपड़ा डाल दिया मुंह में, पर मारे को पता ही ना चला दाएं से मार रहा था कि बाएं से मार रहा था, मार मार के कचूमर बना दिया हमारा। चल लेट जा, लेट जा, मैं मरम पट्टी करती हूँ। अरे तुम मारी तरफ है क्यों? उसकी तरफ है, इतनी जोर चकोर लगाता है। मारी बात सुनना चकोरी, ए तू अपने कोमल कोमल हाथों से ना मारे गालों को सहला दे और मारे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। है दिखा जरा। चुपचाप बैठ वरना तेरी हड्डी पसली कर दूंगी। बड़ा है गाल पे हाथ फिराने वाला, बहुत बड़ा जंग जीत के आया है ना, पहलवान समझता है खुद को। चला मत। अरे क्यों ना चलाओ, फूली की तरह घूमगा थोड़ी हो। अरे दर्द होगा तो चिल्लाओगे ना, वैसे भी कोई एहसान न करी तो बर्फ लगा के रात में चे तू खेल खेल के बिगाड़े तू और धोबी पछाड़ मिले मारे को। हट। देख मुंह, मुझे पता है तू तकलीफ में है, लेकिन दुश्मन के सामने ऐसे खुले गांव नहीं दिखाते हैं। सीना चौड़ा करके दिखाना है। उसे हमने भी मात दिया है तो बहुत तिल मिलाया हुआ है, अब देखना ये है कि वो किस हद तक जाता है हमें चोट पहुंचा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।